अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं ऊपर आया हुआ था छत पे, मैंने देखा था कि ना मैंने ये सारा साफ वगैरह कर दिया था, सारी सफाई कर दी थी। डक्स को हमने यहाँ शिफ्ट करने का सोचा है और यहाँ पे भी ज़रा गंद वगैरह पड़ा है। बाकी ऐसा करते हैं कि ना बाजरा जो मैंने डाला, पता नहीं कोई बाजरा तो है नहीं, ख़त्म। एक मैं कहता हूँ दाना भी नहीं पड़ा। वो असल में बारिश वगैरह आती है ना, बारिश वगैरह पिछले दिन काफ़ी आई थी, तो इसी वजह से ना मेरे ख्याल से सारा बाज है ना उड़ के गीला वगैरह हो गया, सारा उड़ के होगा या फिर उसे उन्होंने खा लिया हो। तो भी ऐसा करते हैं इनको ना बाजरा भी डाल देते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो है मैंने पंचकोरों के पानी के लिए बनाया और ये वाला उनकी फीड के लिए बनाया, और ये वाला मैं भी आपको इसमें पानी डाल के दिखा दूँगा कि किस तरह वर्क करता है। तो दोस्तों देखें, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने चकोरों और दूसरे डक्स के लिए ना एक ना बड़ा बॉक्स लेके आऊँगा ताकि ना उसमें कंफर्टेबल फील करें। और ये जो बॉक्स है ना मैं ले आया हूँ, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है। ये वाला बॉक्स ना पहले भी मैंने थोड़ा सेट करके देखा है कि किस तरह का लगता है। तो आप देखें कि इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, ये देखें ना काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। तो वो जो मैंने आप लोगों को बॉटल दिखाई थी ना, तो वो हम इसमें यहाँ पे साइड पे यहाँ पे और यहाँ पे करके रख देंगे। तो क्या ना ये बॉक्स मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि ये देखिए ये छोटे से हैं और इनके ना पर काफ़ी ज़्यादा तो ना ये अभी मैंने ना इनको ये देखिए ऊपर से ना यहाँ से टेप से भी जोड़ा हुआ ताकि ना ये ज़रा ना हाइट ज़्यादा होती, लेकिन फिर भी ना ये ऐसे ऐसे करके बड़े होकर ना जंप करके बाहर आ जाते हैं। ये ऐसे ऐसे जंप करते हैं, वाइट वाला तो ब्राउन वाला तो बहुत ज़्यादा जंप करते हैं। इससे मैंने कहा ये कर लेते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब आपने देखिए मतलब मेरे हाथ से ये देखा ना अंदर तक पूरा जा रहा है हाथ, तो इससे ज़्यादा लंबा है। बाकी हम लोग इसको इन लोगों के ऊपर शिफ्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना ये अभी छोटा है और डक्स इनको मार के पहले दिन जब मैंने इनको निकाला था ना तो डक्स इनसे डर गई थी, हालांकि डक्स बढ़ गए हैं और ये छोटे हैं फिर भी डक्स इनसे डर गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ना उसको उसी में डाल देते हैं। डक्स को तो हम ऊपर शिफ्ट कर सकें लेकिन इनको नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है सरप्राइज, ये उस दिन वापस चला गया था। नेक्स्ट डे फिर ये सेम टाइम पे शाम को वापस आया, तो उस टाइम मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश हो रही थी और हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। तो ये आगे ना सीधा अंदर केज के ऊपर बैठ गया आगे, तो फिर हमने कहा चलो इसका सेटअप ही यहाँ से कर लेते हैं। दोस्तों इसका नया केज आ गया है और साथ ही हमने कैस्पर को भी इसी केज में शिफ्ट कर दिया है। इस केज के दो पोर्शन हैं, दो पार्टीशन हुई है इनकी, सेंटर में एक ना दीवार टाइप से आप पहले आ जाती है, तो दो पार्टीशन नहीं है वैसे एक ही केज है। दोस्तों ये जो लव बर्ड है इसका नाम रोजी कोली है, ये डिफरेंट ब्रीड है इसको, वरना वो हमारे पास जो है वो ग्रीन फिशर है, वरना हमने इनको ना दोनों को इकट्ठे ही कर देना था। आप लोगों ने कल कल वीडियो में देखा भी होगा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि ये डिफरेंट ब्रीड है और वो डिफरेंट ब्रीड है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी रहेगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे ये वीडियोस में माशाल्लाह व्यूज़ बहुत अच्छी आ रही हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी रहेगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।
हाँ।